एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और पिछला व्लॉग मेरा जहाँ एंड किया था, हमने अमन की बिल्डिंग में एंटर किया था और वहीं मैंने एंड किया था। बस ये वहीं से स्टार्ट हुआ है सेकंड व्लॉग। और आज पुणे में फर्स्ट डे है हमारा और यहाँ हम पहुँच गए हैं। ऑलमोस्ट पूरे 2:15 इस तरीके से बज रहे हैं अभी। तो सुबह सुबह हम नहा कर निकले थे वहाँ से, मुंबई से। तो बस इतनी दोपहर हो गई और प्रिया ने पूरा खाना रेडी करके रखा था। एंड गाइस, खाना बहुत टेस्टी था। वो काफ़ी अच्छा और टेस्टी खाना बनाती है। तो दाल, बैंगन का भरता, आलू की भुजिया, चावल, रोटी, चटनी, पापड़, एवरीथिंग बहुत अच्छा था खाना। और यहाँ देखिए, इतने थकने के बाद भी हमारी मम्मी को सबसे ज़्यादा चिंता अपने कपड़ों की रहती है। 7 घंटे का सफर करके भी सबसे पहले कपड़े ही धोए हैं कि कपड़ों का कलर ना खराब हो जाए। और ये है अमन के घर की बालकनी, जिसको काफ़ी अच्छी तरीके से दोनों ने मिलके डेकोरेट किया है। एंड ये जो ग्रास होती है बालकनी में लगाने वाली, ये पूरी मीन्स डेकोरेट की हुई है। वॉल पर भी अलग टाइप की ग्रास लगा रखी है, तो बहुत बहुत सुंदर है। वॉल पे तो कुछ लीव्स भी हैं, मीन्स पत्ती टाइप, तो बहुत सुंदर है। यहाँ इनके ये प्लांट्स रखे रहते हैं, कॉफ़ी टेबल बोल सकते हैं आप, चाय कॉफ़ी कुछ भी इंजॉय, नाश्ता यहाँ पर कीजिए। और स्पेशली व्यू, सो आई कांट स्टॉप माई सेल्फ टू शो यू द बालकनी स्पेशली, एंड स्पेशली व्यू। यहाँ का व्यू इतना अच्छा है कि मीन्स मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं जब फर्स्ट टाइम यहाँ पर आई थी, मेरे ख्याल से यहाँ से इनकी बालकनी से पूरा ही पूना दिखता है। एंड स्पेशली हम जब कहीं पर अपना घर, नया घर देखने जाते हैं, तो हमारा मेन मोटो यही होता है कि व्यू कैसा है बालकनी का। कि आदमी सारे दिन भर का थका हारा, हाउस वाइफ भी जो सुबह से सारा काम वाम करती है एंड जो ऑफिस गोइंग है, तो आके और थोड़ा रिलैक्स फील होता है। बालकनी अच्छी हो, व्यू अच्छा हो, कॉफ़ी चाय हो, फैमिली के साथ में बैठकर ज़रा गेट टुगेदर हो और बातचीत हो, अकेले भी बैठे एंजॉय करें, तो सबसे मेन घर का मुझे लगता है बालकनी एरिया एंड व्यू। तो व्यू गाइस बहुत अच्छा है और इसीलिए मैं अपने आप को रोक नहीं पाई आपको बालकनी शो करने के लिए। अभी हम थके हुए भी बहुत ज़्यादा हैं। तो ये थी बालकनी और व्यू, कैसा लगा आपको बताइएगा। तो बस यहाँ आपको बालकनी दिखाने के बाद में, और इतने घंटों का सफ़र हमने तय किया, तो बस यहाँ थोड़ा मैं लेट गई थी। और मोबाइल देखने के बाद थोड़ा बहुत, जो सबकी हमारी आदत होती है कि मोबाइल के बिना तो अब सोना होता ही नहीं है किसी का, तो बस उसके बाद सो गए थे। और ये शाम का टाइम है, तकरीबन 5:30-6 बज रहे हैं। और यहाँ बना दिए हमारी प्रिया ने चाय। और हाँ, एक बात और, प्रिया और अमन दोनों सेम चाय पीते हैं। तकरीबन 25-30 मिनट इनकी चाय पकती है और उसके बाद ये पीते हैं। काफ़ी मीन्स पकी हुई चाय ही ये पीते हैं, दोनों ही हस्बैंड वाइफ, एकदम हार्ड वाली। तो हमारी ये निकाल देते हैं चाय, क्योंकि हम थोड़ा लाइट ही चाय पीते हैं, तो बिल्कुल कड़क चाय पीते हैं और दोनों की चॉइस भी एक ही जैसी है। तो बस यहाँ चाय वाय पी के थोड़ी देर बैठे हुए थे। और यहाँ का मौसम इतना अच्छा है कि एसी तो छोड़िए, मैं तो पंखा भी नहीं चलाती थी घर में। आप देख रहे हैं कपड़े सूख रहे हैं, किस तरीके से उड़ रहे हैं, तो बस हवा और चारों तरफ से हवा है। तो बस यहाँ थोड़ी देर मम्मी के साथ बैठ के फिर नीचे आ गए थे। और अभी इस टाइम पर शायद 8:30 इस तरीके से बज रहे हैं। और ये है अमन की सोसाइटी, 4 बिल्डिंग की सोसाइटी है बट काफ़ी बड़ी बड़ी है। 3 बिल्डिंग 11 फ्लोर की है और 1 बिल्डिंग 12 फ्लोर की है, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा ढलान है, स्लोप है, तो वो 12 फ्लोर की है। और काफ़ी बड़ी है, जिम, स्विमिंग पूल, गार्डन एरिया, एवरीथिंग सब कुछ है, पार्क वगैरह, बहुत सुंदर सोसाइटी है। और मैं पिछली बार आई थी तो मेरा मन एकदम खुश हो गया था यहाँ पर। तो बस अभी हम लोग थोड़ा वॉक कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग चले गए थे। मम्मी सुबह ब्रेकफास्ट में ज़्यादातर फल खाती हैं, तो बस वो फल ही लेने हम थोड़ा मार्केट भी गए थे। और इनके घर के आसपास सारी ही सुविधाएं हैं, मीन्स फ्रूट, वेजिटेबल्स एंड मेडिकल स्टोर्स, किसी भी सवारी की कोई दिक्कत नहीं है, मीन्स गली से बाहर निकलो और सब कुछ मिल जाता है, तो बहुत अच्छा है।
और यहाँ तकरीबन हम लोगों ने 1 घंटे कम से कम मैंने और अमन ने वॉक किया था। और वैसे भी अमन और प्रिया एवरी डे यहाँ अपनी सोसाइटी में 1 से 1.5 घंटा वॉक करते हैं दोनों ही शाम को। और यहीं पूरा पार्किंग एरिया है, सारी मतलब सुख सुविधाएं हैं, सोसाइटी तो है ही अच्छी और कार भी है उनकी अपनी, स्कूटी भी है, तो कुल मिला के दोनों मियाँ बीवी एकदम मस्त लाइफ जी रहे हैं और होना भी चाहिए, बस खुश रहें और क्या चाहिए। तो बस इसके बाद फिर मम्मी ने बोला कि भाई काफ़ी लेट हो जाएगा और फिर मार्केट भी बंद हो जाएगा, तो फिर हम निकल गए थे मार्केट स्कूटी में, मैं और अमन ही गए थे, प्रिया ने बोला कि आप दोनों ही जाओ, तो मैं और अमन ही यहाँ पर निकल गए थे मार्केट। और सिर्फ फ्रूट्स ही ज़्यादातर हम लोगों ने क्या लिया, फ्रूट्स ही लिया क्योंकि वेजिटेबल्स सारा कुछ प्रिया खुद ही लेकर आती है अपनी पसंद से, और थोड़ा आउटिंग भी हो गई मेरी। और बस अभी आप आगे देखेंगे तो यही वाली शॉप है वो जिसमें हम फ्रूट्स लेने के लिए आए हुए थे। जैसे हमारे कोलकाता में होता है ना कि नीचे बिछा के पूरा मार्केट लगा हुआ है एंड कुछ दुकानें ऊपर इस तरीके से रहती हैं, बट यहाँ मैंने देखा कि एक रूम जैसा है और उसी में फ्रूट्स वेजिटेबल्स सब लगा के रखा हुआ है, एवरीथिंग सब कुछ मिलता है। और पता है गाइज, आज एक इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट मुझे मिला है इतने सालों के बाद में कि मुझे लगा कि हाँ योगा एंड डाइट वर्क तो कर रहा है। तो हम एप्पल लाना भूल गए थे और मम्मी को सुबह एप्पल चाहिए होता है, तो बगल में ही शॉप है, मुझे घर छोड़कर अमन फिर से चला गया था और शॉप वाले ने पूछा कि जो आपके साथ आए थे वो कौन थे, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानते हैं अमन और प्रिया को, वहाँ से सामान एवरीडे का लेना है उनका, लेते ही हैं वो लोग। तो अमन ने बोला कि मेरी मौसी हैं कोलकाता से आई हैं, तो बोला नहीं वो मौसी तो नहीं लग रही थी, आपकी बड़ी बहन लग रही थी। तो अब गाइज मैं क्या ही बताऊँ, इतनी मुझे खुशी हुई है ये बात सुन के कि ऐसा कॉम्प्लीमेंट कहाँ रोज़ रोज़ मिलता है। तो बस यहाँ रात में अमन को भूख लगी थी और मैंने मैगी बना के उसको खिलाई कि इतने समय के बाद आई हूँ तो अपने बच्चे को कुछ तो खिलाऊँ, उसके बाद हम सो गए थे। और ये वाला व्लॉग काफ़ी बड़ा होने वाला है गाइज, और 2 या 3 पार्ट इसके होंगे, उसमें मैं आपको घर भी इसका दिखाऊंगी, सब दिखाऊंगी, सो स्टे ट्यून्ड गाइज। और ये क्लिप है दूसरे दिन सुबह की, तकरीबन 6:45 बज रहे हैं, मम्मी नहा चुकी है, नहा के पूजा कर ली है मम्मी ने। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज है हमारा पूना में अमन के घर पे 2nd डे है आज, और आज कितने दिनों के बाद थोड़ा लेट से उठी हूँ मैं, अभी ऑलमोस्ट 8:30 बज रहे हैं, फ्रेश होके आके आपसे बात कर रही हूँ मैं। प्रिया वहाँ पोहा बना रही है नाश्ते में, चाय बना रही है, और मम्मी तो सुबह भोर में 4 बजे उठ के ही पूजा वगैरह भी करके, उनको हैबिट है, दोबारा से रेस्ट कर रही हैं, फ्रूट्स वगैरह खा के लेट गई हैं। तो आज आपको दिखाऊंगी अमन का पूरा घर, दोनों ने मिलके बहुत बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन किया है, बहुत सुंदर सजाया है, जैसा सबका एक सपना होता है अपना घर, अपने घर को सजा के रखने का, और बहुत अच्छा है, मतलब सोसाइटी भी बहुत बहुत अच्छी है। और यहाँ हम लोग सेप्टेम्बर में पूरे 1 साल के बाद में आ रहे हैं हम लोग, और सितंबर में हम लोग शायद 6 सितंबर को पिछले साल हम लोग आए थे 2021 में, और पूरे हम लोग 1 साल शायद 6 महीने 7 महीने के बाद में यहाँ पे हम लोग आए हैं वापस। आज आपको घर दिखाऊंगी और अभी बस मैं भी मेडिसिन लूँगी और चाय प्रिया ने बना दी है और बस चाय पीऊँगी। यहाँ पीछे आपने देखा अमन अभी सो के उठा है, हम लोगों ने रात में आज मीन्स कल रात में 12:15 बजे तक मूवी देखी। अमन ने बोला कि अक्षय कुमार की जो कठपुतली मूवी है बहुत अच्छी है, वाकई में बहुत अच्छी है गाइज, मस्ट वॉच, आप भी देखिएगा, सस्पेंस सुपर्ब, आप देखिएगा ज़रूर, मुझे बहुत अच्छी लगी मूवी। तो बस अब वहाँ पे हॉल में जाऊंगी और सब थोड़ा चाय वाय पियेंगे, नाश्ता करेंगे, इतने समय के बाद में आए तो थोड़ा बातचीत करेंगे, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है इनके घर में, एक्चुअली व्यू इनका बहुत अच्छा है, मैं जब फ्लैट आपको पूरा दिखाऊंगी आप देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा।